Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our social science class. In this class, we will study the chapter 16, India, Life in Northern Plains. अभी तक हमने कई सारी जगह की लाइफ स्टाइल्स पढ़ी हैं. अब इस चैप्टर में हम नॉर्थन प्लेन्स में जो लोग रहते हैं वहाँ उनकी लाइफ स्टाइल क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. द नॉर्थन प्लेन्स आर फर्टाइल विथ एबंडेंट वाटर रिसोर्सेज सो दे आर थिकली पॉपुलेटेड. नॉर्थन प्लेन्स जो हैं वहाँ के जो लैंड है वो बिल्कुल क्या है, फर्टाइल है और वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है. वहाँ रिवर्स वगैरह ये सब क्या है, ज़्यादा है. ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो वहाँ की स्पेस है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं. द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल हेयर वेराइज फ्रॉम रीजन टू रीजन. दीज प्लेन्स एक्सटेंड ओवर द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड त्रिपुरा एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़. यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल जो है वो अलग अलग लोगों की अलग अलग जगह से लाइफ स्टाइल है. मतलब कोई दिल्ली में है तो उसकी लाइफ स्टाइल अलग है, पंजाब में रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल अलग है. ठीक है, और इसमें ये कहाँ से कहाँ तक है, इसमें ये सारी स्टेट्स हैं, पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा एंड और यूनियन टेरिटरीज हैं दो, दिल्ली और चंडीगढ़. नाउ हम वन बाय वन करके सभी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट है बच्चों पंजाब. पंजाब विथ इट्स कैपिटल एट चंडीगढ़ इज अ प्रॉस्परस स्टेट ओइंग टू थ्री मेजर रिवर्स, सतलज, बीज एंड रवीज एंड कैनाल्स. द पीपल ऑफ पंजाब आर मेनली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. पंजाब की कैपिटल क्या है, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़. इसमें तीन मेजर रिवर्स हैं, इस स्टेट में से तीन रिवर्स जाती हैं. कौन कौन सी हैं वो, सतलज है, बीज है और रवि है. और यहाँ पे मेनली सभी लोग किस में एंगेज रहते हैं, एग्रीकल्चर में. ठीक है, द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर वीट, शुगर कैन एंड राइस. साइंटिफिक एंड मॉडर्न फार्मिंग एम्प्लीमेंट्स आर यूज फॉर फार्मिंग. यहाँ पे जो सबसे मेन क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो है वीट यानी गेहूँ, शुगर केन यानी गन्ना और राइस मीन्स चावल. यहाँ पे साइंटिफिक और मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट मतलब नए नए फार्मिंग के तरीके और जो बेस्ट हैं, जिन जो एफिशिएंट हैं, ऐसे फार्मिंग के जो हैं वो तरीके यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर. अमृतसर एंड जालंधर आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट. यहाँ पे अमृतसर और जालंधर टूरिस्ट की प्लेसेस हैं, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं. द गोल्डन टेम्पल एंड जलियांवाला बाग आर वेल नोन फॉर द हिस्टोरिकल हेरिटेज. गोल्डन टेम्पल हुआ और जलियांवाला बाग, ये क्या है, ये हिस्टोरिकल हेरिटेज है, मतलब ऐतिहासिक जगह है. जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना पहले, तो वो पंजाब में ही है जलियांवाला बाग. ठीक है, और गोल्डन टेम्पल भी मोस्टली सभी लोग विजिट के लिए जाते हैं. द पीपल ऑफ पंजाब आर हार्ड वर्किंग. मैन वियर धोती कुर्ता टर्बन वाइल वुमेन बियर सलवार कमीज दुपट्टा. यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं और जो यहाँ पे मैन हैं वो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता और पगड़ी, टर्बन मीन्स पगड़ी, और वुमेन जो हैं वो सलवार कमीज और दुपट्टा वियर करती हैं. अदर ड्रेसेस आर ऑल्सो पॉपुलर. और यहाँ पे जो और भी ड्रेसेस हैं वो भी काफ़ी कई सारा पॉपुलर हैं. पंजाबी इज स्पोकन वाइडली बट इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो वेल अंडरस्टूड. यहाँ पे ज़्यादातर पंजाबी बोली जाती है बट इंग्लिश और हिंदी को भी वो इजीली अंडरस्टूड कर पाते हैं. टू पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ दिस स्टेट आर भांगड़ा एंड गिद्धा. यहाँ पे दो पॉपुलर डांस फोक डांस हैं, एक तो भांगड़ा है और एक गिद्दा है. ठीक है, वीट इज द स्टेपल डाइट. मैनी ऑफ पंजाब डिशेज आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया सच एज सरसों दा साग, मक्के दी रोटी एंड छोले भटूरे. वीट जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाया जाता है और यहाँ के कुछ डिशेज जो हैं वो पूरी इंडिया में पॉपुलर है, जैसे मक्के की रोटी और सरसों का साग सभी ने सुना होगा. छोले भटूरे पंजाब के बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं. नाउ हरियाणा. अब हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे. हरियाणा इज़ अ स्मॉल बट रिच स्टेट. इट शेयर्स इट्स कैपिटल चंडीगढ़ विथ पंजाब. हरियाणा छोटी जगह है बट रिच स्टेट कहा जाता है इसको, मतलब अमीर. ठीक है, और इसकी कैपिटल भी क्या है, चंडीगढ़. ये पंजाब के साथ चंडीगढ़ की अपनी कैपिटल को शेयर करती है. ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन. साइंटिफिक इम्प्लीमेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन फार्मिंग. यहाँ भी एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन है क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा जस्ट पास पास ही है, तो थोड़े इनकी लाइफ स्टाइल जो है वो सेम रहती है. ठीक है,
यहाँ पे इनकी एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन है, फिर यहाँ भी साइंटिफिक मेथड्स वगैरह फार्मिंग के यूज़ किए जाते हैं, और यहाँ भी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं वो क्या हैं, वीट है, शुगर केन है, और यहाँ पल्सेस ज़्यादा ग्रो की जाती हैं हरियाणा में, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू हैज़ टेकन प्लेस विद गुरुग्राम एंड फरीदाबाद एज इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर भी हैं जैसे कि गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप है। The people of Haryana are hard working. Man wear kurta pajama turban and women wear salwar shirt dupatta. यहाँ पे जो मैन है वही कुर्ता पजामा और टर्बन वियर करते हैं, और जो वुमेन है वो सलवार और उसके साथ शर्ट और दुपट्टा वियर करती हैं। दे स्पीक हिंदी एंड हरियाणवी, ये हिंदी बोलती हैं और हरियाणवी भी यहाँ पे पॉपुलर है। The most well-known place of tourist interest in Haryana is Kurukshetra. It is believed to the site of epic battle of Mahabharata. देखिए यहाँ पे जो सबसे मेन टूरिस्ट प्लेस है हरियाणा में वो क्या है, कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत का जो हमारे पुराणों में कथाओं में सुनी थी कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो कुरुक्षेत्र का मैदान था वो, तो वही कहाँ पर है, हरियाणा में है, वो टूरिस्ट प्लेस है यहाँ की, ठीक है। नाउ चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज द कॉमन कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, इट इज़ अ वेल प्लान्ड एंड क्लीन सिटी, पीपल आर एजुकेटेड एंड मॉडर्न। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है, और ये क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है, ये बिल्कुल सिटी जो है वो बिल्कुल वेल प्लान्ड है और क्लीन है, यहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहाँ के लोग जो है वो थोड़े मॉडर्न हैं, उनकी थिंकिंग अलग है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, और सभी एजुकेटेड हैं। पंजाबी एंड इंग्लिश आर वाइडली स्पोकन ईयर, और यहाँ पे पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है और इंग्लिश जो है मोस्टली लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। देर आर मैनी प्लेसेज ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द रोज़ गार्डन एंड रॉक गार्डन। यहाँ पे कई सारी टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जैसे कि रोज़ गार्डन है, रॉक गार्डन है, ठीक है, और भी कई सारी प्लेसेज यहाँ पे टूरिज्म की हैं जहाँ पे लोग वहाँ विजिट करते हैं। Now Delhi. Delhi is more like a mini India because we can find glimpses of people from different states. It is located on both banks of Yamuna. देखिए दिल्ली जो है वो दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टेट्स के लोग देखने को मिलते हैं, मतलब कई सारे स्टेट्स के लोग दिल्ली में रहते हैं, और ये यमुना के किनारे लोकेटेड है, मतलब यमुना के बैंक पे ये स्टेट लोकेटेड है। इट इज़ अ मॉडर्न अर्बन सिटी विच हैज़ इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेंटर, ठीक है। ये दिल्ली जो है वो अर्बन सिटी है, मतलब यहाँ का स्टैंडर्ड अच्छा है, मॉडर्न सिटी है, ठीक है, और यहाँ पे जो लोग हैं सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है और ट्रेड सेंटर इसको कहा जाता है, मतलब व्यापार दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज ट्रेड, यहाँ पे लोग बागों का चीफ ऑक्यूपेशन क्या है, ट्रेड यानी व्यापार करना, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पीपल स्पीक हिंदी पंजाबी एंड इंग्लिश। यहाँ पे कई सारे लोग गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में सभी में एंगेज है, मतलब जॉब करना या ट्रेड करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और यहाँ के लोग हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बीइंग द कैपिटल, न्यू दिल्ली हैज़ ऑल इम्पॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज हियर, द पार्लियामेंट एंड राष्ट्रपति भवन आर लोकेटेड हियर। न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल है, अब कैपिटल होने से इसमें यहाँ पे क्या है, कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो यहाँ पे लोकेटेड हैं, और यहाँ पे पार्लियामेंट है हमारा, राष्ट्रीय राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। दिल्ली हैज़ इट्स ओन चीफ मिनिस्टर, सो हिज ऑफिस इज़ ऑल्सो लोकेटेड हेयर। दिल्ली का अपना एक चीफ मिनिस्टर है, तो उनका ऑफिस भी दिल्ली में ही लोकेटेड है। दिल्ली इज़ नोन फॉर द फ्लाईओवर्स, इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स ईटरीज एंड मार्केट्स। दिल्ली में कई सारे फ्लाईओवर्स भी हैं जहाँ से प्लेन्स वगैरह जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कई ये अपनी ईटरीज मतलब फूड मार्केट्स वगैरह के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, स्पेशली एट चांदनी चौक, दिल्ली हाट, पहाड़गंज एंड मैनी मोर। देर आर नंबर ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट सच एस, यहाँ पे कई सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और टूरिज्म की प्लेसेस हैं, मतलब कई लोग दिल्ली में घूमने जाते हैं। अब कौन कौन सी प्लेसेस हैं, रेड फोर्ट है, मीन्स लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला, जामा मस्जिद, बिरला मंदिर, इंडिया गेट,
प्रगति मैदान, लोटस टेम्पल, डॉल्स म्यूजियम, तो इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर घूमने के लिए हैं। ठीक है, लोग बाग कई सारे लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए आते हैं। ना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब एक एरिया के रेडार में कई सारे लोग रहते हैं। ठीक है, और ये पॉपुलेशन के टर्म्स में ये सबसे बड़ी स्टेट मानी जाती है। एरिया के टर्म्स में देखा जाए तो सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? राजस्थान। बट पॉपुलेशन वाइज अगर देखते हैं तो कौन सी स्टेट है हमारी सबसे बड़ी? उत्तर प्रदेश। द फर्टाइल लैंड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल फार्मिंग ऑफ वीट, शुगर केन, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ का लैंड जो है वो बहुत फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पे वीट, शुगर केन, पल्सेस, फ्रूट्स, इन सब की ज़्यादा फार्मिंग होती है। ठीक है, अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड हेयर सच एस कानपुर एंड आगरा फॉर लेदर गुड्स। यहाँ पे कई सारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि कानपुर और आगरा लेदर गुड्स के लिए है, मीरठ है स्पोर्ट्स गुड के लिए है, शुगर मिल्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी हियर। और यहाँ पे शुगर मिल्स जो है वो बहुत सारी है और यहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है। पीपल स्पीक हिंदी एंड अदर वेरियंट्स ऑफ हिंदी लाइक ब्रिज एंड अवधि। यहाँ पे मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ हिंदी के वेरिएंट्स भी हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे ब्रिज भाषा जो होती है वो अवध भाषा, ठीक है, यहाँ पे यूज़ की जाती है। दे वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस सच एज धोती कुर्ता एंड सलवार कमीज़। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की ड्रेसेस वियर की जाती हैं, जैसे कि धोती कुर्ता हुए, सलवार कमीज़ हुई। मैन वियर टर्बन और गांधी कैप, यहाँ पे लोग टर्बन वियर करते हैं या फिर जो गांधी कैप होती है ना वो वियर करते हैं। वीट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाइल इट इज़ राइस इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में वीट सबसे ज़्यादा खाया जाता है और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में राइस स्टेपल फूड यहाँ का माना जाता है। देर आर मैनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट सच एस, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आगरा है, प्रयागराज है, बनारस है। ठीक है, और द संगम इज़ लोकेटेड एट प्रयागराज वेयर द गंगा एंड द यमुना मीट। और यहाँ पे नदियों का संगम भी है प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। ठीक है, जिस गंगा और यमुना यहाँ पर प्रयागराज में मिलते हैं। द कुंभ मेला इज़ हेल्ड एयर एवरी 12 ईयर्स और कुंभ मेला यहाँ पर लगता है हर 12 साल में। ठीक है, द ताजमहल ऑफ आगरा इज़ वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट। और आगरा का जो ताजमहल है वो यहाँ का वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट माना जाता है और ये हमारे 7 वंडर्स में भी एक वंडर है। ठीक है, नाउ बिहार, द लाइफ स्टाइल ऑफ बिहार इज एकिन टू द to that of eastern Uttar Pradesh. Bihar has fertile land and abundant mineral resources, yet its people remain poor. बिहार की लाइफ स्टाइल जो है वो थोड़ी अलग है और थोड़ी पुअर लाइफ स्टाइल है। यहाँ की लैंड जो है लैंड भी फर्टाइल है और यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज भी बहुत हैं, बट फिर भी यहाँ के लोग जो हैं वो पुअर हैं, यानी गरीब हैं। फ्लड्स कॉज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ईजियर। यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लड के कारण यानी जब बाढ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉपर्टी का या पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ड्यू टू पॉवर्टी एंड फ्लड्स मैनी पीपल ऑफ बिहार माइग्रेट टू अदर स्टेट्स इन सर्च ऑफ वर्क। यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है और बाढ़ वगैरह के कारण कई लोग यहाँ से माइग्रेट करके अदर स्टेट्स में काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फार्मिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हेयर विथ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स बींग राइस, वीट, शुगर केन एंड जूट। यहाँ की ऑक्यूपेशन जो है वो मेन फार्मिंग है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो है राइस, वीट, शुगर केन और जूट। नाउ पटना इज इट्स कैपिटल इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी। इन अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर नालंदा एंड बोधगया। यहाँ की जो पटना है वो पटना कैपिटल है और जो कि एक हिस्टोरिकल सिटी है। यहाँ पे और भी प्लेसेस हैं टूरिस्ट की, जैसे नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, और बोधगया, बोधगया, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। पीपल स्पीक हिंदी, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, मगधी, मैथिली एंड भोजपुरी, ये सारी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होती हैं। छठ, दिवाली एंड दशहरा आर एंड ईद आर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल और हेयर। यहाँ पे छठ पूजा का महत्व यहाँ पे बहुत माना जाता है इस स्टेट में। दिवाली, दशहरा और ईद भी यहाँ के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं।
Now Jharkhand. Jharkhand has rich mineral resources such as iron ore, coal, mica and graphite. So several important iron and steel industry have come up at Jamshedpur and Bokaro. झारखंड में बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन ओर हुआ, जैसे लोहा होता है ना, लोहा, कोल, मीका, ग्रेफाइट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री सेटअप है जमशेदपुर में और बोकारो में. द कैपिटल ऑफ झारखंड इज़ रांची. झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है. द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन, यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप ग्रो करते हैं? राइस, मिलेट, शुगर कैन एंड जूट. पीपल स्पीक हिंदी एंड मैथिली, यहाँ पे लोग बाग हिंदी और मैथिली लैंग्वेज यूज़ करते हैं. मैनी ट्राइब्स लिव हेयर, यहाँ पे कई सारी ट्राइब्स भी रहती हैं, जैसे कि संथाल्स एंड मुंडास. द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर आर होली, दिवाली, दशहरा एंड ईद. ये सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं. नाउ वेस्ट बंगाल विद अ फर्टाइल लैंड एंड अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज, द मेन ऑक्यूपेशन इन वेस्ट बंगाल इज एग्रीकल्चर. यहाँ पे फर्टाइल लैंड भी है, कई सारे वाटर रिसोर्सेज भी हैं, और फिर यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन इसलिए यहाँ का क्या है? एग्रीकल्चर है. द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर इंक्लूड राइस एंड जूट. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स क्या क्या हैं? राइस है और जूट है. कोलकाता इट्स कैपिटल इज कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय. कोलकाता इसकी कैपिटल है और कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है. अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज इंक्लूड, और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी हैं? बुडवान है, मिडनापुर है एंड 24 परगांस, ठीक है. देयर आर मैनी फेमस मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पे कई सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल है. द चीफ लैंग्वेज स्पोकन हेयर इज बंगाली, दो हिंदी एंड इंग्लिश आर वाइडली अंडरस्टूड. यहाँ पे जो मेनली लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है? बंगाली है, और हिंदी और इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे अंडरस्टूड होती है. द पॉपुलर स्वीट डिशेज ऑफ वेस्ट बंगाल आर सैंडेस एंड बंगाली रसगुल्ला. यहाँ पे जो फेमस डिशेज है वो सैंडेस है और रसगुल्ला यहाँ के फेमस हैं. दुर्गा पूजा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन वेस्ट बंगाल, इज सेलिब्रेटेड ओवर 10 days. दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है, और जो ऑलमोस्ट 10 days में 10 days तक सेलिब्रेट होता है. नाउ आसाम. आसाम अ पार्ट ऑफ द 7 sisters लाइज इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन, दिसपुर इज इट्स कैपिटल. आसाम जो है वो 7 sister का पार्ट है, और ये ब्रह्मपुत्र बेसिन में लोकेटेड है. दिसपुर इसकी कैपिटल है. द चीफ क्रॉप्स ग्रोन इन दिस स्टेट आर राइस एंड जूट. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस और जूट प्रोड्यूस होते हैं. पेट्रोलियम इज ऑल्सो माइंड हियर, और यहाँ पे पेट्रोल की भी कई खदानें हैं, तो उसमें से पेट्रोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. द इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर आर आसामी एंड बंगाली. यहाँ पे आसामी और बंगाली बोली जाती है. द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इज बिहू, द बिहू डांस इज पॉपुलर हेयर. यहाँ पे एक बिहू फेस्टिवल है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यहाँ का जो फोक डांस है वो भी क्या है? बिहू है. द हिल टॉप कामाख्या टेम्पल इज विजिटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. यहाँ पे एक मतलब एक हिल के टॉप पे एक टेम्पल है जिसका नाम है कामाख्या टेम्पल, जो यहाँ पे जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं. आसाम इज़ नोन फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ एंड टी प्लांटेशन. आसाम वाइल्ड लाइफ के लिए और टी प्लांटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है. यहाँ पे टी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. नाउ त्रिपुरा. त्रिपुरा इज़ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ 7 sisters. इट इज़ सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 sides. त्रिपुरा जो है वो 7 sisters की पार्ट है. हमने लास्ट चैप्टर में 7 sisters के नेम पढ़े थे, स्टेट ऑफ 7, उसमें 7 states थी, तो उनमें से 5 state के बारे में हमने पहले पढ़ा था, और 2 states के बारे में हमने अब पढ़ लिया है, ठीक है. इट इज़ सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 sides. ये बांग्लादेश से तीनों साइड से सराउंडेड है. इट्स कैपिटल इज अगरतला. इसकी अगरतला कैपिटल है. वेयर द उज्जैनता पैलेस इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी. और वहाँ पर उज्जैनता पैलेस जो है वो अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है. पीपल ऑफ दिस स्टेट्स आर फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन. इस स्टेट के जो लोग हैं वो फार्मर हैं और क्राफ्ट्समैन है, मतलब क्राफ्ट वहाँ पे ज़्यादा होता है. चीफ क्रॉप्स आर राइस, टी एंड जूट. बाम्बू फर्नीचर एंड हैंडलूम आर कॉमन कॉटेज इंडस्ट्रीज हियर. यहाँ पे बाम्बू फर्नीचर और हैंडलूम की, मतलब हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, उसकी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री जो हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. पीपल स्पीक बंगाली एंड सेलिब्रेट दुर्गा पूजा विथ फैनफेयर.
यहाँ पे सभी लोग बंगाली बोलते हैं और दुर्गा पूजा यहाँ भी सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, यहाँ हमने कई सारी स्टेट्स के बारे में पढ़ा। आप सभी भी इस चैप्टर को रीड करना, इसका मीनिंग समझना, ठीक है, और अपना वर्क कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।